हेलो ऑल, वेलकम टू ग्रोइंग बुल। दिस इज प्रीतम एंड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि कुछ कमेंट्स आया था एंड जिनमें कुछ शेयर्स अच्छे क्वांटिटी में मेरा कुछ फॉलोअर्स का रखा हुआ है। वो है दो कंपनी, एक है ट्राइडेंट लिमिटेड एंड दूसरा है एक्यू फिनटेक। ओके, सो ये दो कंपनी में क्या है उसका शेयर प्राइस, उन लोगों ने कुछ पहले से ही शेयर खरीद कर रखा है, तो उसमें टेक्निकल व्यू में क्या क्या हो सकता है एंड आगे हमें उसमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर ही एक वीडियो के बारे में उन्होंने बात किया था। एक्चुअली ये सब वीडियो मैं इसीलिए नहीं बना रहा था क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट नहीं आता था, तो आप लोग अगर कॉमेंट करेंगे तो उसमें ये बेटर होगा मुझे प्रॉपर टॉपिक मिलने के लिए जिसमें मैं प्रॉपर कुछ वीडियो बना पाऊँ, कुछ टेक्निकल थिंग्स के ऊपर या फिर कुछ नॉलेज के ऊपर। कोई भी आप कमेंट कीजिए तो जितना कमेंट आएगा उतना मैं चीज़ें बना पाऊँगा। ओके, एंड जैसे ही कॉमेंट आया था मैंने उसके ऊपर, देखिए एक कंपनी का फंडामेंटल एंड टेक्निकल दो चीज़ होता है, एंड आप अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज पे जा रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म केस में जा रहे हो तो उसमें दो चीज काम करेगा, एक काम करेगा आपका फंडामेंटल कंडीशन और दूसरा काम करेगा आपका टेक्निकल कंडीशन। तो जो कुछ भी फंडामेंटल है वो टेक्निकल पे तो दिख जाता है, लेकिन फंडामेंटल जो होता है वो कंपनी का कुछ इंटरनल थिंग्स होता है, ठीक है। तो उसमें प्रॉपर न्यूज हमें नहीं मिल सकता है, उसमें क्या चल रहा है, क्या उनका फ्यूचर प्लान है या फिर कैसे वो लोग जो प्लान किए थे उसको एग्जीक्यूट किया या फिर उसका क्या रिजल्ट आया। सो दैट्स अनदर पार्ट, एंड जो प्राइस या फिर चार्ट पे दिखता है वो एक अनदर पार्ट है, ठीक है। तो डिपेंड ऑन दैट, अगर ट्राइडेंट के बारे में बात करें तो ट्राइडेंट में अगर देखिए, अगर हम आज नहीं आज अगर हम कोई एक साल डेढ़ साल के लिए प्लानिंग पे जाएंगे तो उसमें 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट नहीं चलता है, ठीक है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट ओनली एप्लीकेबल है फॉर डे ट्रेडिंग एंड फॉर 1-2 डे स्विंग ट्रेडिंग। ओके, एंड अगर मुझे कोई लॉन्ग टर्म केस में जाना है या फिर कोई एक साल दो साल का शेयर प्राइस के ऊपर मुझे काम करना है तो उसमें मुझे 1 डे का टाइम फ्रेम को प्रेफर करना सबसे ज़्यादा पसंद करूँगा मैं। 1 डे का टाइम फ्रेम में एक प्रॉपर ट्रेंड दिखता है, प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखता है, ठीक है। सो डिपेंड ऑन दैट अगर देखा जाए तो ट्राइडेंट ने बहुत बेहतरीन एक व्यू के साथ वो बिहेव कर रहा है, एंड ट्राइडेंट ने जो लास्ट सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर 2021 से वो कुछ 18 रुपीज से एंड बहुत बेहतरीन एक व्यू बनाया, उसने कुछ 60 रुपीज का एक हाई भी बनाया। ओके, 18 रुपीज से उसने 60 रुपीज का हाई बनाया एक शेयर, एंड ये जो ट्राइडेंट में अभी के सिचुएशन में जो दिख रहा है ना, इसमें एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बन चुका है। अगर आप शॉर्ट टर्म का बात करेंगे तो आप एक 42 का SL के साथ, एक 42 का SL के साथ एंड कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आप आगे शेयर को ले सकते हैं, जिसका कुछ टारगेट आपको दे सकता है मिनिमम 80-90 के करीब। ओके, 80-90 के करीब आपको एक टारगेट मिल सकता है, यहाँ तक एक टारगेट आपको मिल सकता है, क्योंकि ये जो एरिया है ना, एरिया के बाद इसमें कुछ देर के लिए स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, एरिया में कुछ देर के लिए कुछ स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन अभी के सिचुएशन पे देखा जाए इसने एक बहुत बेहतरीन ट्रेंड को भी फॉर्म किया है। ओके, जो बेहतरीन ट्रेंड बोला जाए ना, तो वो देखेंगे तो वो कुछ ऐसा सिचुएशन के ऊपर दिखा रहा है जो हमें मतलब इतना समझ में आता है नहीं। स्टॉक का प्राइस में एक ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है, ट्रेंड लाइन का मतलब ये होता है ना, मतलब कोई भी स्टॉक का जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है वो नहीं, ट्रेंड लाइन का मतलब होता है प्राइस का स्ट्रेंथ क्या है, मतलब होता है प्राइस का स्ट्रेंथ। ये कोई लकड़ी नहीं है, मीन्स एक प्राइस का स्ट्रेंथ ही समझ में आता है जो प्राइस ने कौन सा एरिया को सपोर्ट लेके फिर आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें दो चीज दिख रहा है, एक मार्केट ने जो 23 रुपीज से जो एक हाई बनाया था उसके बाद एक एरिया में इसने कॉन्सोलिडेट किया, एक एरिया में इसने कॉन्सोलिडेट किया एंड उसके बाद एक ब्रेकआउट उसने लिया। ओके, उसके बाद एक ब्रेकआउट उसने लिया एंड स्टिल नाउ इट्स कॉन्सोलिडेटिंग एट न्यू एरिया। ओके, ये अगर देखा जाए तो ये कॉन्सोलिडेटिंग इन न्यू एरिया, तो यहाँ से जो परसेंटेज का मूव हमें मिला था, यहाँ से 1 डे का टाइम फ्रेम में देखा जाए, यहाँ से जो मूव आया था कुछ 17 रुपीज का मूव आया था। ओके, 39.38% का मूव आया था जो कंसोलिडेशन एरिया से, तो 39 नहीं, इसको 36-37% का ही होगा। ओके, 30-37 60 तक आया था ना, ओके 60 तक आया था, सॉरी यस 39% तक उसमें मूव आया था, 39.38% तक उसमें मूव आया था। तो डिपेंड ऑन दैट देखा जाए, अगर ऐसा कंसोलिडेशन के बाद अगर कोई ऐसा बनता है तो उसके बाद भी एक मूव हमें मिल सकता है जो
नियर टू 24.05। 24.05 मीन्स अगर अभी इसका प्राइस 53 चल रहा है तो 63-73 नियर टू 90 तक टारगेट हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड तक मूव इसमें मिल सकता है। तो ट्राइडेंट अभी के टाइम पर अगर टेक्निकली देखा जाए तो एक बेहतरीन कंडीशन में है एंड इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ही मैं प्रेफर करूंगा। ये इट्स ए गुड कंडीशन इन टेक्निकल व्यू, ओके, इन प्राइस टर्म, इन प्राइस मूव एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइस कंसोलिडेशन, इन टर्म्स ऑफ प्राइस मेकिंग द ट्रेंड, ओके, डिपेंड ऑन दैट आई एम टेलिंग इट्स ए गुड शेयर। बट इसका फंडामेंटल क्या है, उसका उसमें क्या सिचुएशन है, वो थोड़ा सा स्टडी करना जरूरी है, ओके। सो फंडामेंटल अगर गूगल पे जाके सीधा ट्राइडेंट के बारे में सर्च करूं, पर सीधा आप देख सकते हैं ट्राइडेंट शेयर प्राइस बोल के एकदम सीधा दे रहा है, ओके। सो ट्राइडेंट में गूगल पे जाके कुछ चीजें देखिए, जो चीज आपके सामने अवेलेबल है वही चीज मेरे सामने भी अवेलेबल ही होगा, ओके। सो देखते हैं ट्राइडेंट पे क्या बोल रहा है। ट्राइडेंट इज गुड टू बाय 2021, ट्राइडेंट का शेयर प्राइस भी आप देख रहे हैं तो गुड टू बाय 2021 यहाँ पर बोल रहा है। ट्राइडेंट एज 31 December 2021 शेयर प्राइस क्लोज 53.35 एंड रिकमेंडेड स्ट्रॉन्ग बाई एंड इन टर्म्स ऑफ स्टॉप लॉस 24 इन लॉन्ग टर्म के लिए बाई करने के लिए बोल रहा है, ओके। 24.69 जो आपका ट्राइडेंट का कौन सा एरिया में आ रहा है वो, ओके, ए एरिया में 24.69 मीन्स आपको यहाँ तक SL देने के लिए बोल रहा है, आपको यहाँ तक SL लेने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ए एरिया तक आपको SL के साथ आप एक लॉन्ग टर्म व्यू में जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू में जा सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा था क्यों में, क्योंकि ए एरिया पे जो हुआ था यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन चला था, यहाँ पर भी एक स्टॉक का कंसोलिडेशन है, ये एक कंसोलिडेशन वाला जोन था, ठीक है। तो यहाँ से स्टॉक ने एक अच्छा खासा मूव लिया था। अगर लॉन्ग टर्म का केस में जाएंगे तो यार मतलब वहां तो 2-3 रुपए का SL नहीं हो सकता ना, वहां पे कुछ प्रॉपर SL होना चाहिए। जो प्रॉपर SL क्या बोल रहे हैं वो 24 होना चाहिए उसका, ठीक है। सो प्रॉपर SL के साथ आप जा सकते हैं, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो प्रॉपर गूगल के साथ भी कनेक्टेड हो रहा है, ओके। स्ट्रॉन्ग बाय फॉर टर्म्स विद स्टॉप लॉस 24.69 एंड बाय फॉर शॉर्ट टर्म विद स्टॉप लॉस ऑफ 46.65 आल्सो एक्सपेक्ट स्टॉक टू रीच एंड फॉलोइंग इंपॉर्टेंट लेवल्स, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल पे ये जा सकता है, मीन्स इसका कुछ बोल रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल पे जाने का हो सकता है इसमें, ठीक है। जो हम शॉर्ट टर्म के लिए भी उसको बाय कर सकते हैं जिसका SL होगा कितना 46.65 का, ओके। ट्राइडेंट में अगर चला जाऊं मैं तो ट्राइडेंट में एक कंपनी में इसमें जो सिंपली वॉल स्ट्रीट में जो वेबसाइट है तो इसमें ट्राइडेंट के बारे में क्या बोल रहा है। ट्राइडेंट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स ट्रेड्स इन मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेड्स इन एंड सेल्स टेक्सटाइल्स पेपर्स एंड केमिकल इन यूनाइटेड स्टेट इंडिया एंड इंटरनेशनली। तो इसमें कुछ मोर देन 100 कंपनीज में ये लोग इनका माल सप्लाई करते हैं एंड अच्छा खासा उनका बिजनेस ग्रोथ भी है, ओके। सो कंपनी ओवरव्यू है, वैल्यूएशन क्या है देखते हैं। इसका वैल्यूएशन 42.31 प्राइस अर्निंग रेशियो है, पीई अर्निंग रेशियो है, ओके। ट्राइडेंट ओवरवैल्यूड कंपनी ओवरवैल्यूड कंपेयर टू इट्स फेयर वैल्यू एंड इट्स प्राइस रिलेटिव टू द मार्केट एंड इट्स प्राइस रिलेटिव टू द मार्केट। तो इसमें वैल्यूएशन क्या, जो प्रॉफिट अर्निंग का रेशियो है ना, कंपनी को भी तो एक टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करता है उनका, तो उसमें जो वैल्यूएशन है तो उसमें बहुत ही बेहतरीन वैल्यूएशन दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। बट इनका जो सेल्स ग्रोथ वगैरह जो मैं पढ़ रहा था, तो इस बेस्ट कंपनी टू इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो, ओके। एंड फ्यूचर ग्रोथ में इसका प्लान क्या देखते हैं, जो फ्यूचर ग्रोथ में हाउ इट इज ट्राइडेंट फोरकास्ट टू परफॉर्म इन द नेक्स्ट 1-3 ईयर्स बेस्ड ऑन सेंटिमेंट्स फ्रॉम टू एनालिस्ट। तो 19.71% फोरकास्ट एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ है इसका, जो एनुअल अर्निंग ग्रोथ इनका देख रहा है, तो अच्छा खासा एनुअल अर्निंग ग्रोथ इन लोगों ने किया है। एंड जो एनुअल अर्निंग ग्रोथ मीन्स ए बेस मतलब बोल सकते हैं इसमें बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस ये दिखा रहा है, ओके, अर्निंग ग्रोथ में। एंड इसमें जो एनालिसिस फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो कंपनी 19.7% इंडस्ट्री 33.1% मार्केट जिसमें 20.3% है एंड कंपनी का अंडर फॉरकास्ट एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ है, फॉरकास्ट एनुअल अर्निंग एंड रेवेन्यू जो जनरेट कर रहा है उसमें कंपनी का 10.9% है, इंडस्ट्री का 7.5% एंड मार्केट का 12.7% ग्रोथ इसमें आ जाता है, ठीक है। अर्निंग वर्सेस सेविंग रेट देख सकते हैं इसमें, क्योंकि इतने सारे चीजें जो फंडामेंटल है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, मीन्स कॉम्प्लिकेटेड क्या इंटरनली चल रहा है सब चीजों के ऊपर हम बेस करके बोल सकते हैं बस पढ़ने के लिए, लेकिन ओवरनाइट ओवर के सोल्ड केस में
मतलब ओवरवेल्स केस में क्या है वो, तो फिर वो आपको प्रॉपर एसएल के साथ, प्रॉपर चीजों के साथ आपको मतलब काम करना पड़ेगा। प्रॉपर जो एसएल हम यूज कर रहे हैं, तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जो बोला मैंने वही एसएल के साथ, लॉन्ग टर्म के लिए वही एसएल के साथ आगे जा सकते हैं। बाकी बाकी तो सारे चलता रहता है सब, मतलब कंपनी का प्रॉफिट बुकिंग, पी रेशियो, ओवर वैल्यू क्या है, वो तो सारे सारे के सारे चीज 2-3 महीने में आता जाता रहता है। तो पास्ट परफॉर्मेंस भी इसका अच्छा खासा था, 6.5% हिस्टोरिकल एनुअल अर्निंग्स को पहले से देख सकते हैं, इसका अर्निंग्स भी बहुत बेहतरीन हुआ है। सो एंड फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ है, फाइनेंशियल पोजिशन एनालिस्ट जो बोल रहा है इसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही बेहतरीन दिखा रहा है इसका, ठीक है। एंड डिविडेंड, डिविडेंड के केस में भी ये बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड पे किया है, एंड देख सकते हैं 1.4 मार्केट टॉप 25% में। ओके, डिविडेंड येल्ड वर्सेस मार्केट जो जिसमें आप देख सकते हैं टॉप एकदम डिविडेंड इसने पेमेंट किया है। मैं ट्राइडेंट के बारे में और दो चार चीजों के बारे में मैं बात करूँ ट्राइडेंट में, तो मैं अगर इसमें वन डे का टाइम फ्रेम पे चला जाओ, वन डे का टाइम फ्रेम पे चला जाओ, तो ट्राइड अगर मैं दूसरा और एक यूज कर लूँ जो आपका वन डे टाइम फ्रेम में 20 और 50 में जो मार्केट हमेशा फॉलो करता है, आप देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यू प्राइस 20 EMA को वन डे टाइम फ्रेम पे फॉलो करते हुए आगे जा रहा है। तो इसका मतलब प्राइस में बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेंथ है। एंड अगर 20 और 50 EMA प्राइस को, 20 EMA क्या है, फर्स्ट टर्म सपोर्ट, मतलब पहला सपोर्ट होता है 20 EMA, एंड सेकेंड जो होता है वो होता है आपका 50 EMA जो मीडियम टर्म सपोर्ट होता है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट मैं बताऊंगा, मतलब प्राइस में तो बहुत बेहतरीन एक जगह पे सपोर्ट के साथ आगे बढ़ रहा है। ओके, तो इसमें ट्राइडेंट के केस में जो है ये प्राइस कंसोलिडेशन ही एरिया है ये। ओके, एंड नेक्स्ट अगर देखा जाए दूसरा और एक इसके साथ सारे मैं बताऊंगा, तो इसमें देख सकते हैं 200 EMA प्राइस बहुत बेहतरीन तरीके से 200 EMA के ऊपर ही है, वन डे टाइम फ्रेम पे 200 EMA के ऊपर है। तो इसका मतलब आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोथ कंडीशन पे एक बेहतरीन स्टॉक है, ठीक है। सो अभी बात करेंगे AQ फिनटेक के ऊपर। AQ फिनटेक भी एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस वाला शेयर है, एंड इसका जो वन डे का टाइम फ्रेम में देख सकते हैं मतलब प्राइस बहुत बेहतरीन तरीके से मूव कर रहा है, एंड इसका जो आगे के लिए जो इसमें जो कंसोलिडेशन था, एक कंसोलिडेशन के बाद इसने छोटा सा एक डिप्स के साथ इसने अच्छा खासा हाई पे क्रिएट किया है, एंड इसका अभी प्राइस 538 चल रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं ना, इसमें अभी अगर इसका लॉन्ग टर्म केस देखना है या फिर इसमें आगे का क्या व्यू है वो देखना है, तो इसमें देखने के लिए आपको थोड़ा सा EMA वगैरह यूज करना बहुत जरूरी है। तो इसमें भी मैं सेम केस यूज करूंगा, 20 और 50 EMA जो रहेगा आपका वन डे का टाइम फ्रेम पे। ओके, तो बेस्ड ऑन दैट मैं बोलूंगा इस स्टॉक को चलने दीजिए अभी के लिए। इसका सपोर्ट जो बना हुआ है वो आपका शॉर्ट टर्म सपोर्ट अगर आप ले सकते हो वन डे का टाइम फ्रेम पे, तो आप 336 के सहारे, 336 के शॉर्ट टर्म के साथ, एंड सॉरी लॉन्ग टर्म में आप 336 का 299 या फिर 300 का SL के साथ आप आगे प्लान कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म व्यू में, 3-4 साल 5 साल के लिए। एंड अभी अगर शॉर्ट टर्म व्यू के बारे में पूछेंगे, तो शॉर्ट टर्म व्यू में मैं बताऊंगा आप 442 का एक स्मॉल SL के साथ या फिर 388 ये दोनों SL के ऊपर ध्यान में रखते हुए आप 538 पे खरीदारी के साथ एक आगे जा सकते हैं। ओके, एंड कुछ मीडियम टर्म कंडीशन के लिए मीन्स अगर मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा इसको देख लूँ, तो इसमें आप आगे कम से कम 100 से 200 रुपया टारगेट के लिए आप आगे जा सकते हैं इसमें। ओके, सो अभी AQ फिनटेक में, AQ फिनटेक का जो बाकी टेक्निकल डाटा से एंड फंडामेंटल डाटा है, वो फंडामेंटल बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस में है। एक कुछ दिसंबर में 330 रुपीज में था, 330 रुपीज से मूव जो किया है, ये 500 के ऊपर मूव चल रहा है इसका। तो इसमें जो टारगेट हमें दिख सकता है आगे, मिनिमम 700 से 800 का टारगेट हमें बना के रखना चाहिए, 700 से 800 का टारगेट हमें बना के रखना चाहिए। ओके, क्योंकि इसमें अगर आपका हिस्टोरिकल डाटा में दिखाओ प्राइस एक्शन में, तो इसमें दिख रहा है ना 9 December 2021 330 रुपीज, एंड उसके बाद अगर देखा जाए 20 December में उसने 422, एंड ये 1 month का डाटा के बारे में बात, तो प्राइस मूव 1 month के अंदर 330 रुपीज से वो अभी 539 रुपीज, मोर देन 200 रुपीज का 1 month के अंदर मूव हुआ है प्राइस में। तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये मूव कर रहा है, एंड इसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत बेहतरीन वैल्यूएशन है, एंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंपनी का फ्यूचर का प्लानिंग भी
है, मैं कुछ इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा चीजें देख रहा था, आईएफएल सिक्योरिटीज से मैं ये चीजें बात कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना, फंडामेंटल चीजों के ऊपर सारे के सारे डिटेल्स कलेक्ट करना, वो सारे के सारे चीजों के ऊपर करना, तो क्या है फंडामेंटल इतना ज्यादा जो दिखता है वो टेक्निकल पे ही दिखता है, ठीक है, समझ में आ जाता है ट्राइडेंट में क्या मूव था। एंड इसमें भी बहुत बेहतरीन स्टॉक है दोनों, एंड ये जो फिनटेक बोल के जो शेयर है इसमें आप आगे से प्लान कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है टोटल डिटेल्स ट्राइडेंट एंड फिनटेक के ऊपर। जो आप लोगों का कॉमेंट आया था उसके ऊपर मुझे जितना हो सके डिटेल्स में कलेक्ट किया, एंड ज्यादा से ज्यादा मैं टेक्निकल्स के ऊपर ही जोर दिया हूँ। एंड इस पे आप लॉन्ग टर्म पे एंड बिंदास कोई टेंशन के साथ होल्ड कर सकते हैं। दोनों जगह पे मैंने ईसीएल के बारे में बहुत बात कर लिया आपको। अगर और कोई चीज होता है, कुछ एडुकेशनल चीजें होता है, तो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। क्या है ये सब चीजें, तो टेक्निकली आप 2 मिनट पूछ लेंगे समझ में आ जाता है, लेकिन जितना ज्यादा सीखने के लिए आप लोगों को चीजें, अगर कुछ समझ में नहीं आता कुछ टेक्निकल कुछ और चीजों के ऊपर, कुछ मार्केट मार्केट में कुछ चीजें बना था जो चीज आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, या फिर कुछ टेक्निकल ओवरव्यू जो है, या फिर कुछ बैंक निफ्टी निफ्टी के ऊपर कुछ ऑप्शन के ऊपर कुछ चीजें हैं, तो सारे के सारे चीज आप लोग जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा। सो डू कमेंट, जैसे ही उन लोगों का कमेंट आया मैंने कुछ वीडियो बनाने की कोशिश किया। सो सेम तरीके से आप लोग भी कुछ वीडियो कुछ कमेंट करेंगे तो उसमें कुछ डिटेल्स भी हमें दिख सकता है। ओके, ये टोटल रहेगा दोनों डिटेल्स के ऊपर, तो आप लोग कमेंट कीजिए और चीज़ों के ऊपर तो अच्छा रहेगा और मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं सामने अगला वीडियो। टाटा बाय बाय।